हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्टिलाइजर सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है जीएनएफसी लिमिटेड, बेहतरीन कंपनी और अच्छा खासा इनका एक कहेंगे कि एक अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है, किन किन सेगमेंट के लिए कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और किन किन सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो फर्टिलाइजर, केमिकल एंड आईटी, ये तीन सेक्टर हैं कंपनी के जिनपे कंपनी की एक अच्छी खासी पकड़ है। जीएनएफसी 1976 में ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई थी, और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल दोनों का ये एक तरीके से ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। बेहतरीन कंपनी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी। जीएनएफसी ने 1982 में मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस अपना स्टार्ट किया एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रीम अमोनिया यूजर फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स कंपनी जो है बनाती है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जीएनएफसी सक्सेसफुली कमीशन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन फील्ड एज डाइवर्स एज केमिकल, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंस इंसेप्शन जीएनएफसी हैज वर्क्ड towards extensive growth as a corporation, a growth which respects the environment and springs from the progressive vision of GNFC. तो एक अच्छा खासा इन्होंने एक अपना product portfolio बना रखा है और बेहतरीन कंपनी ये है, अपना performance दिखा भी रही है। आप तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है 149 पर मंथ रुपीज में। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल के साथ में आप जुड़ के, क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसके साथ जुड़ के आप ये बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक टिप्स वहां पे मिला करेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक टिप्स आपको मिला करेंगी, आपको कोई भी आपकी स्टॉक से रिलेटेड अगर क्वेरी है तो उसका 1-to-1 सॉल्यूशन आपको वहां पे मिला करेगा, एंड आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियोज रहा करेंगी उसका। तो कंपनी का देखेंगे आप, एक अच्छी खासी कंपनी के पास में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट, ये सारे के सारे कंपनी ने अपने ये जो प्लांट में आप देखेंगे इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी इनके पास में मौजूद है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बेहतरीन। और साथ में इन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेटर इन सबके साथ में कर रखा है, इन सारी की सारी जो कंपनीज है इनके साथ में इन्होंने ये टेक्निकल कोलैबोरेशन कर रखा है। अच्छे खासे देख सकते हैं आप कैपेसिटी से कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है। R&D भी कंपनी के पास में मौजूद है, कंपनी रिसर्च करती रहती है और जो कंपनी रिसर्च करती रहती है, न्यू प्रोडक्ट जो डेवलप करती रहती है, उसका एक अच्छा खासा मार्केट में एक तो उसकी प्रेजेंस बनी रहती है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की उसमें सबसे ज्यादा ताकत रहती है और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाती रहती है। वो दर कुछ ईयर ऑन ईयर, कुछ मंथ बाई मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करते रहते हैं। तो आप देखेंगे तो कंपनी जो है फर्टिलाइजर जो सेक्टर में कंपनी जो ये प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें यूरिया है, नाइट्रोफॉस्फेट है, नीम डी ऑयल केक है, नर्मदा नीम पेस्टिसाइड्स हैं, इस तरीके के कंपनी काफी प्रोडक्ट्स बना रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिटी कंपोस्ट, इस तरीके से कंपनी काफी प्रोडक्ट्स एक अपने फर्टिलाइजर सेगमेंट में बना रही है, देख सकते हैं ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट में ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट जो है कंपनी के, ये कंपनी अपने ये सारे के सारे जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। एंड केमिकल में अगर आप देखेंगे तो केमिकल सेक्टर में के लिए, केमिकल सेगमेंट के लिए ये मैथेनॉल, एसेटिक एसिड, टोलेंडी, एनिलीन, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इस तरीके से ये कंपनी ये सारे के सारे जो है प्रोडक्ट बना रही है अपने केमिकल सेगमेंट में, देख सकते हैं बेहतरीन इनका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इथाइल एसिटेट, मिथाइल फॉर्मेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोबेंजीन, कैटसॉल, देख सकते हैं ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है अपने केमिकल डिवीजन में। एंड इनका एक आईटी डिवीजन भी है, आईटी डिवीजन में आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी सर्विसेस ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड कंपनी ने अभी एक ऑनलाइन भी अपनी एक पोर्टल बना लिया है कि कुछ प्रोडक्ट ये नीम से रिलेटेड, कुछ प्रोडक्ट ये होम यूज के लिए बना रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो हैंड सैनिटाइजर हैं, सोप्स हैं, शैम्पू हैं,
और साथ के साथ आप देखेंगे तो इसमें ये सारे के सारे जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें शैम्पू, सोप, सैनिटाइजर, तो देखेंगे अभी करीब करीब इन्होंने 18 जो है प्रोडक्ट अपने इसमें लिस्ट कर रखे हैं। इनकी ये खुद की वेबसाइट है नियो नीम वर्ल्ड के नाम से, इन्होंने ये अपनी वेबसाइट बना रखी है। तो यहाँ से कोई भी कस्टमर अपने जो भी प्रोडक्ट उसको चाहिए वो इसको यहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकता है। तो देख सकते हैं एक तरीके से ये डिजिटलाइजेशन फेज में भी आ गए हैं, और जिस तरीके से ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने बिजनेस का जो कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, अपने बिजनेस को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली, तो इससे क्या है कि कंपनी के रेवेन्यू में आगे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। आप सब लोग जानते ही हैं कि जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है, और इसी तरीके से ये कंपनी भी जिस तरीके से इन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल जो बनाया है, आने वाले टाइम में इससे भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमाते हुए दिखेंगे। और ये जो प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, अगर इनकी मार्केट में अगर एक अच्छी खासी पकड़ बन गई तो ये भी कैटेगरी में आगे ये और इसको बढ़ाते हुए दिखेंगे। इसमें अब मुझे लगता है ये आगे तेल भी बनाते हुए दिखेंगे, हैंड सैनिटाइजर बना ही रहे हैं, सोप्स बना ही रहे हैं, इनकी वाइड कैटेगरी कर देंगे, इसको वाइड रेंज में फैला देंगे इस कैटेगरी को। बेहतरीन जो पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट की ये जो कैटेगरी है, इसको बढ़िया तरीके से ये आगे और फैलाते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे अभी इनका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है, एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। रेवेन्यू से देखें, इविटा में देखें, अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, एंड ईपीएस भी अच्छी खासी बढ़ी है, मार्जिन भी आप देखेंगे अच्छे खासे इनके सुधरते हुए दिखे हैं। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट ने की कमेंट्री आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, एंड रेवेन्यू अच्छा खासा सुधरा है। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू अच्छा खासा सुधरा है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट परफॉर्मेंस भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी रही है। एंड साथ के साथ कुछ और जो अपडेट्स हैं, अपडेट्स में मैं आपके सामने रख दूं तो इन्होंने डिविडेंट भी दिया है, ₹8 पर शेयर का डिविडेंट दिया है। आगे जो कंपनी जो है केपेक्स प्लान करना चाह रही है, 1250 करोड़ का इन्हें केपेक्स प्लान करना है, जिसमें ये कुछ और नए प्रोडक्ट बनाएंगे, अमोनिया, वीक नाइट्रिक एसाइड एंड एन मेल्ट लाइक। तो इस तरीके से ये कुछ और नए प्रोडक्ट भी कंपनी जो है बनाती हुई दिखेगी। तो बोर्ड ने 1250 करोड़ का एक केपेक्स प्लान भी निर्धारित किया है, जिसको ये कंपनी आगे करती हुई दिखेगी, कंप्लीट करती हुई दिखेगी। और ये भी जो प्लान ये कर रहे हैं, इसका भी आने वाले टाइम में रेवेन्यू जुड़ता हुआ दिखेगा। ड्यूरिंग FY21 कंपनी इज आउट ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रिजाइम एंड इज नाउ अंडर नॉर्मल टैक्स रिजाइम। तो देख सकते हैं लिक्विडिटी कंपनी के पास में, एक ठीक ठाक सी लिक्विडिटी कंपनी के पास में मौजूद है। एंड देखेंगे तो जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंपोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन TDI फॉर 5 years इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, चाइनीज, थाइपिया एंड UAE। अर्लियर इन February 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंपोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एनिलीन फॉर 5 years ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। तो देख सकते हैं कुछ जो प्रोडक्ट ये जो बना रहे हैं, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा दी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ने लगा दी है, उससे इन कंपनीज को काफी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। आउटलुक क्या है आगे का, जो फ्यूचर जो आउटलुक है उसको देखते हुए जो मैनेजमेंट की कमेंट्री उसको देखें। एमिड सेकेंड कोविड वेव विद इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड एन एक्सीलेंट मार्केटिंग नेटवर्क द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन द फर्टिलाइजर बिजनेस। और जिस तरीके से डिमांड जो राइज हो रही है केमिकल सेक्टर से भी एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से भी, तो वो क्या है आगे आने वाले टाइम में इसको एक परफॉर्मेंस कराती हुई दिखेगी। और जो ग्लोबली देखेंगे तो चाइना से जो डिपेंडेंसी जो लोग खत्म कर रहे हैं, जो कंपनीज खत्म कर रही हैं, उनका इंडिया की साइड ज्यादा रुख है, तो इंडिया की जो कंपनीज है उनका आगे बढ़ते हुए दिखेंगे वो। और गवर्नमेंट ने भी काफी PLI स्कीम जो है वो लॉन्च की है इनके जो प्रोडक्ट है उनको लेके, एग्री सेक्टर पे तो गवर्नमेंट का वैसे काफी अच्छा खासा फोकस है। और मानसून भी अगर अच्छा रहा तो और जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। बेहतरीन कंपनी GNFC, मैं आपके सामने GNFC का चार्ट रखता हूं, आप देख सकते हैं ये शेयर का एक चार्ट है, बेहतरीन ये कंप्लीट शेयर का चार्ट है, ये ओपन हो जाए मैं आपके सामने रखूं इसको, ये देख सकते हैं बहुत ही
स्टार्टिंग में तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट रहा इसका, ये यहाँ इसने काफी कंसोलिडेशन की, लेकिन ये फेस बहुत ही जबरदस्त गया है और उसके बाद में शेयर डाउन भी गया है। लेकिन अब मैं आपके सामने रखूं कि शेयर यहां से कहां पॉसिबिलिटी है इसकी जाने की, तो देख सकते हैं ये मैं आपके सामने GNFC ये चार्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ये यहां से इस शेयर ने ये लो लगाया है, अब देख सकते हैं आप यहां पे 61.8% की रेजिस्टेंस के पास। अब ये शेयर यहां पे आप देखेंगे तो एक महीने यहां पे ही ये कंसोलिडेशन सा कर रहा है, और ये भी आप देखेंगे तो इसी के जस्ट आसपास ही ये वाली भी कैंडल बन रही है। मतलब शेयर पहुंच गया है अपने बिल्कुल बुलिश ट्रेंड के पास पहुंच गया है, लेकिन उसका एक इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, मतलब एक अच्छे तरीके से इसने वो ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा इसको कि उस वाली लाइन से ऊपर निकल जाए, उसी की लाइन के आसपास ही ये उस समय घूम रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाली कैंडल बहुत जबरदस्त बनी है एक महीने की, ये वाली भी कैंडल बहुत जबरदस्त बनी है, नीचे इसने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है और ये बिल्कुल अपने एक राइट पोजीशन पे खड़ा है। किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसमें करना है तो एक हल्का सा एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग टर्म के लिए भी बन सकता है, ये एक अच्छा खासा शेयर जा सकता है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी इसका एक चार्ट जो है वो दमदार चार्ट है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपके सामने रखूं अगर इस शेयर का जो चार्ट ये जैसा बन रहा है, तो आप देखेंगे 380 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को परचेस करें, बिल्कुल 370 रुपए पे ये भी चल रहा है और देखा जाए तो ये एक 380 रुपए के ऊपर, लेकिन हालांकि आपको इसको परचेस करना है और 380 रुपए से बेटर है आप इस वाली कैंडल की, ये वाली जो कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है इस वाली कैंडल के हाई पे आप परचेस करें जो है 395 रुपए के ऊपर। जब ये निकल जाए जब ये आप परचेस करें तो और आपको एक सॉलिड एक वेव दिखेगा ऊपर जाने के लिए, बहुत जल्दी जाएगा, इंस्टेंटली जाएगा, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन ये कर सकता है, कुछ टाइम रुक सकता है यहाँ पे जैसा चार्ट जो बता रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत रुक के फिर दोबारा से एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट ये दे और इसके ऊपर निकलता हुआ दिखे। तो 395 रुपए के ऊपर आप इसे परचेस करें, 390-395 ठीक ठाक सही चल रहा है अभी इस समय पे, और सिप के थ्रू अगर लेंगे तो और ज्यादा बढ़िया है। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है इस वाली कैंडल के, ये वाली जो कैंडल बनी है इस वाली कैंडल के आपको लो प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो लो प्राइस है इसका आप देख सकते हैं 295 रुपए का, तो 295 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं मैं आपको, 295 रुपए का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और 395 रुपए के आसपास आपको ये इसको परचेस करना है। बेहतरीन कंपनी यहां से जैसा मेरे को लग रहा है ये धीरे 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 ये एक तो सबसे पहले अपने लो को तोड़ेगा और यहां से ये अपने जो इस सॉरी ये अपने हाई को तोड़ेगा जो इसका जो लॉन्ग टर्म का जो हाई है लाइफ टाइम का जो हाई है, और उसको ब्रेक करने के बाद में ये शेयर यहां से बड़े ही आराम से 600 से 650 रुपए के घर दिखा सकता है, बड़े ही आराम से 600 से 650 रुपए तक के घर ये शेयर दिखा सकता है। मैं आपके सामने शॉर्ट टर्म के लिए एक बार रख देता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कहां पे जा, मैंने आपको 295 रुपए का इसलिए नीचे स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि जब शेयर जब ज्यादा जब ऊपर चला जाता है तो पॉसिबिलिटी उसकी जब मार्केट अगर थोड़ा बहुत जब नीचे अगर गिरती है तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि शेयर थोड़ा सा नीचे एक ड्रॉप डाउन दिखाए, तो वहां पे आप एक स्टॉप लॉस अगर आपका रहेगा डीप स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो उस वाले फेज में अगर ये 225 या 230 रुपए तक अगर ये जाता है तो वहां पे इसमें आप थोड़ी सी और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लेकिन जरूर मेंटेन करके रखना है। ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे शेयर ने काफी टाइम तक एक कंसोलिडेशन किया है, इस वाले फेज को हम लेके चलेंगे और रिसेंटली हाई इस शेयर ने ये लगाया है, रिसेंटली हाई ये लगाया है और रिसेंटली जो हाई लगाया है उस पर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर करीब करीब 4-5 हफ्ते से ये उसी 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, मतलब अपने बुलिश ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो अपने बुलिश ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म में अपने बुलिश ट्रेंड के पास बिल्कुल पहुंच गया है। और यहां से जैसा मेरे को लग रहा है ये शेयर अगर डाउन अगर जाता है इस वाली कैंडल के पॉसिबिलिटी है कि इस वाली कैंडल को ये यहां यहां तक पहुंचता हुआ दिखे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, इतना तो ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा। पॉसिबिलिटी लग रही है कि मेरे को ये शेयर बड़े आराम से अगर गिरा भी, क्योंकि यहाँ पे इसने ये करीब करीब 3-4 हफ्ते की ये जो कैंडल्स बनाई है, ये वाली देखेंगे ये वाली जो कैंडल बनाई है और फिर ये वाली जो कैंडल बनाई, तो एक बेस इसने अगर जो बना लिया है वो बेस बना लिया है इसने 365 रुपए के आसपास,
365 से थोड़ा सा एक डीप और आप एक स्टॉप लॉस इसमें लगा दें, वो एक स्टॉप लॉस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस वाली कैंडल के लो प्राइस का। इस वाली कैंडल के लो प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो है 353 रुपए का। तो आप एक 350 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगा के चले, 350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को यहीं परचेस कर सकते हैं जहां ये चल रहा है। बढ़िया जगह पे ये शेयर मिल रहा है, अच्छी जगह पे मौके पे ये शेयर है, तो इस मौके पे इस शेयर को आप परचेस करें। और यहां से जैसा मेरे को लग रहा है ये शेयर बड़े आराम से आपको 425 रुपए से 445 रुपए के घर, 425 रुपए से 445 रुपए के घर। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल जो बन रही है ऊपर वाली, ये जो कैंडल्स जो बनेंगी मैं आपके सामने रख देता हूं, मंथ वाली जो कैंडल है आप मंथ वाली कैंडल्स से समझें, ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल के आसपास ये करीब करीब ये शेयर पहुंचता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस वाली कैंडल्स के तो आसपास ये पहुंच गया। आपके सामने मैं एक बार लगा देता हूं, आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल का तो इसने ब्रेकआउट दे दिया। इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट देने के बाद में ये शेयर जैसा मेरे को लग रहा है यहां वाली, इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट देता दिखेगा और इससे अगर ये ऊपर निकलेगा तो ये सीधे 466-467 तक पहुंचेगा। और जैसा मेरे को लग रहा है इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है कि 450 रुपए के 350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे शेयर को परचेस करें और यहां से ये शेयर आपको 425 रुपए से लेके 445 रुपए तक के टारगेट आपको नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर दिखाता हुआ नजर आएगा। बेहतरीन कंपनी GNFC, और मेरे को लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अगर मानसून अगर अच्छा खासा और सुधरता हुआ दिखा तो पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को ये 1 से 1.5 महीने के ऊपर अंदर ही ऊपर ना चला जाए कहीं। स्मॉल कैप कंपनी है और देखेंगे तो आप 16% की ROC है कंपनी की, 10 की फेस वैल्यू अच्छी है, डेप्ट रिड्यूस कर दी, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, बेहतरीन कंपनी। और आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है बेहतरीन, एक प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FII DII के पास भी एक अच्छी खासी एक स्ट्रांग होल्डिंग मौजूद है, स्ट्रांग होल्डिंग जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये शेयर कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको किसी अदर शेयर से अगर रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ के आप अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।